वहीं भारतीय संस्कृति और भाषा के समृद्ध इतिहास को मनाने के लिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे बढ़ावा देना है। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह यह है कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। 1953 से राजभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल इस खास दिन को हिंदी दिन को मनाया जाने लगा। हिंदी न केवल भारत के विभिन्न हिस्से में बोली जाती है, बल्कि इसे विश्व के अनेक देशों में भी अपनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो राजगोपालचारी हों, महात्मा गांधी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या लाला लाजपत राय हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, ये सभी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा को महत्वपूर्ण स्थान देकर स्थानीय भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हिंदी ही हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। के लिए राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो। हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है, और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से मजबूती देती है, और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के एम मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने ये हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हम